अरे एमी संभल के। ला ला ला। बनी तुम्हारा जादू तो अच्छा है लेकिन तुमने ये सब कहाँ से सीखा? जादू वो एमी क्या हम अभी किस्सा सुने? किस्सा? हाँ बिल्कुल। कौन सा किस्सा सुनाओ, गांव का या जंगल का? मुझे जंगल के बंदर मामा जान का किस्सा सुनाओ। अरे वाह, बंदर मामा की, बहुत खूब। तो आओ सुनते हैं। एक दिन जिम्बा नाम का बंदर खाने की तलाश में पूरे जंगल में भटक रहा था। काफी देर तलाश करने के बाद भी जब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो बंदर मामा का पेट ताल में रोने लगा। हाय भूख लगी, हाय भूख लगी, डुन 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 डिन। पूरा पेट भरने या आधा पेट भरने को सेव मिल जाए, रसीले आम मिल जाए। डुन 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 डिन 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 डुन 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 डिन 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 डिन। बंदर मामा जान, ये मौसीकी की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या बताऊँ, इतना ढूंढने के बाद भी कुछ खाना नहीं मिला। नदी किनारे अंजीर के फल उग आए हैं, क्या तुम चलोगे? मैं भी वही जा रही हूँ। हे अंजीर का फल, चुप हो जा पेट, हम अभी चलते हैं। हाँ ये तो मेरा पेट नहीं है, तो फिर कौन ये शोर मचा रहा है? हाँ? ओ बचाओ। हाँ? शायद कोई पत्थर के पीछे है। कौन है जो उधर रो रहा है? कोई बचाओ, बचाओ। कल्लू दादा क्या हुआ? मेरे प्यारे बंदर भैया, इस पत्थर को हटा के मुझे बचा लो। ठीक है दादा, अभी हटा देता हूँ, बिल्कुल मत डरो। ठीक है। बहुत दिन हो गए बंदर को खाए हुए। मुझे छोड़ो, मैंने तो आपकी जान बचाई है दादा। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे बस भूख लगी है और भूख लगने पर उसे जो मिले खा लेना चाहिए, यही तो जंगल का नियम है। अरे बाबा बचाओ, मुझे बचाओ। क्या बात है दोस्तों, ये शोर किस बात का है? सारू मुझे बचाओ, तुम इस जंगल के राजा शेर खान की मंत्री हो, इस मसले का हल तो निकालो। हाँ पहले परेशानी तो बताओ। मैंने इस कल्लू दादा को पत्थर के नीचे से निकाला और ये अब मुझे खाना चाहते हैं, ये क्या बात हुई? सारू तुम जंगल के नियम तो जानती ही हो ना, भूख लगने पर कभी भी किसी भी जानवर को खाने का हक है हमें। सारू को बात समझ आ गई, दुष्ट कल्लू दादा के चपेट से बंदर मामा को कैसे बचाया जाए उसने काफी देर सोचा। आखिर उसने एक तरीका ढूंढ निकाला। तुम दोनों की बातें मैंने सुनी। हाँ। लेकिन तुम में से कौन सच बोल रहा है ये जानकर ही मैं सही फैसला कर पाऊंगी। उस वक्त जो भी हुआ मैं पहले से सब कुछ जानना चाहूंगी, मंजूर है? हाँ हाँ ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ। बंदर भाई तुम उस पत्थर को पहले की तरह ढकेल कर रख दो। तो जब बंदर मामा इस रास्ते आए तो तुम इस तरह पत्थर के नीचे दबे थे? हाँ हाँ बिल्कुल। बंदर मामा जान, ये कल्लू भाई क्या इसी तरह से फंसे हुए थे जब तुमने इसे बचाया? हाँ बिल्कुल इसी तरह। अब सब कुछ पहले की मानिंद ही हो गया ना? हाँ हाँ। तो बंदर मामा जान, जान बचाकर भाग लो। कल्लू दादा फिर से पत्थर के नीचे फंस गए। अरे अरे शैतानो, तुम दोनों मुझे फंसा कर जा रहे हो, मुझे छुड़ा कर तो जाओ। इस तरह से मुश्किल में मदद करने वाले को फंसाने वाला खुद फंस गया।